तो दोस्तों यह है भारत का बेहद मशहूर टूरिस्ट प्लेस नैनीताल शहर, जो कि उत्तराखंड राज्य में नैनीताल जिला का मुख्यालय भी है। नैनी शब्द का अर्थ है आंखें और ताल का अर्थ है झील। बर्फ से ढके पहाड़ियों के बीच बसा यह स्थान झीलों से घिरा हुआ है। इनमें सबसे प्रमुख झील नैनी झील है, जिसके नाम पर इस जगह का नाम नैनीताल पड़ा। तो हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों के तलहटी में नैनीताल समुद्र तल से 6,358 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। नैनीताल शहर की आबादी लगभग 2022 में 50,000 लोगों की है और यहां की प्रचलित भाषा हिंदी और कुमाऊनी है। नैनीताल में गर्मी के दौरान अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा कम से कम 10 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है, इसलिए गर्मियों में नैनीताल की आबादी उसकी कुल आबादी से 5 गुना से भी अधिकतर बढ़ जाती है। सर्दियों में दिसंबर से फरवरी तक मध्य हिमपात होता है और इस दौरान तापमान अधिकतम 15 डिग्री सेल्सियस से लेकर न्यूनतम -3 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इतिहास की बात करें तो नैनीताल का इतिहास काफी पुराना है। प्राचीन काल में कुमाऊं का एक छोटी छोटी रियासतों में विभाजित था और नैनीताल क्षेत्र एक खसिया परिवार की विभिन्न शाखाओं के अधीन था। मुख्तलिफ युद्ध और शासनों से निकलकर आज का ये नैनीताल जो आपके सामने है। टूरिज्म की दृष्टि से देखें तो नैनीताल में कई पर्यटन स्थल है तथा हिंदू बहुल क्षेत्र होने के कारण ये शहर रिलीजियस टूरिज्म प्लेसेस से भरा हुआ है। अगर आप नैनीताल में हैं तो नैनी झील सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल है। आकाश मंडल पर छाए हुए बादलों का प्रतिबिंब इस तालाब में इतना सुंदर दिखाई देता है कि इस मंजर को देखने के लिए सैकड़ों किलोमीटर से दूर प्रकृति प्रेमी लोग नैनीताल आते जाते हैं। ये झील चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी है तथा इसकी कुल परिधि लगभग 2 मील है। यहाँ के मुख्य आकर्षणों में नैना देवी मंदिर भी है, जो नैनी झील के उत्तरी किनारे पर स्थित है। इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे मंदिर हैं, जो टूरिस्टों के यहाँ काफी लोकप्रिय हैं। नैनी झील के एक किनारे माल रोड स्थित है, जहाँ बहुत सारे होटल, रेस्टोरेंट, ट्रेवल एजेंसी, दुकानें और बैंक है। माल रोड मल्लीताल और तल्लीताल को जोड़ने वाला मुख्य रोड है। झील की दूसरी ओर ठंडी रोड है, जहाँ वाहनों को लाना मना है। एरियल रोप वे की बात करें तो ये भी काफी आकर्षणीय है और एक तरफ से दूसरी ओर यात्रा में लगभग 3 मिनट के समय लगता है। रोपवे से शहर का खूबसूरत मंजर दिखाई पड़ता है। यहाँ की 7 चोटियाँ नैनीताल की शोभा बढ़ाने में विशेष महत्व रखती है। इसके बाद आप यहाँ पर जिम कॉर्बेट पार्क भी घूम सकते हैं। ये राम गंगा की पातली दून घाटी में 525 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में कुमाऊं के नैनीताल जनपद में फैला हुआ है।